यूं तो चाहे प्रशासन कितने भी स्वच्छता का ढिंढोरा पीटे, पर जो हकीकत सामने आती है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आजकल यही हाल उज्जैन जिले के नागदा के गवर्नमेंट कॉलोनी और अशोक कॉलोनी का बना हुआ है। कॉलोनियों के पास बने बीसीआई क्लब के पास आजकल कचरों का मानो अंबार लगा हुआ है, जहां बारिश का मौसम होने के कारण कचरा सड़ रहा है, जिससे बदबू पूरी कॉलोनी तक फैल रही है, जिसमें वहां रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा मंडरा रहा है, जिस पर नगर पालिका का जरा भी ध्यान इस ओर नहीं है और ना ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। नागदा नगर की कचरे वाली गाड़ियां पूरी कॉलोनी के कचरे को यहीं डालती है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। भैया, आप यहां से थोड़ा सा आगे कचरा पेटी बनवा करके वहां व्यवस्थित खाली हो जाए। अब ये क्या करते हैं, लोग बाग झाड़ू निकालते हैं, झाड़ू निकालने के बाद में सारा कचरा यहीं ला के डाल देते हैं, उससे ये जगह भी दूषित होती है और अपने प्लस अपन यहाँ घूमना फिरना भी बंद हो जाता है लोगों का। लोग बाग यहाँ घूम फिर भी नहीं पाते क्योंकि ढंग से बदबू में कोई ढंग से सांस भी नहीं ले पाता। इसलिए अपन चाहते हैं कि कचरा यहाँ से व्यवस्थित पूरी तरह से हटी जाए, यहाँ लोग बाग कचरा नहीं डाले, थोड़ा सा दूर बन जाए कचरा पेटी। अब लोग बाग जबकि कचरा पेटी नहीं है यहाँ पे, इस वजह से लोग बाग कहीं पे भी कचरा डाल के चले जाते हैं, उससे जगह और फैलते जा रही है, कचरा और फैलते जा रहा है। इससे व्यवस्थित इसको कहीं ना कहीं आप बनवा करके इसको व्यवस्थित बनवाइए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।